नमस्कार मित्रों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप एयर पोल्यूशन से बचने के लिए एक एयर पोल्यूशन मास्क या फिर एयर प्यूरिफायर खरीदने की सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो भी इसी के बारे में है, मगर हमने एक वीडियो बनाया है कि हमारे इंडिया में एयर पोल्यूशन की जो समस्या है कितनी हद तक बढ़ चुकी है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दूसरी कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम्स है एयर पोल्यूशन से, उन्होंने उसे कैसे कंट्रोल किया और हम पर्टिकुलरली हमारी गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर सकती है, तो उसे जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो बिल्कुल देख लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि आपको पर्टिकुलर इंडिया में या फिर दिल्ली में आप रह रहे हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद से गुजर चुकी है, तो उसके लिए आप कौन सा एयर पोल्यूशन मास्क या फिर एयर प्यूरिफायर ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एयर प्यूरिफायर की। एयर प्यूरिफायर एक गैजेट होता है, एक डिवाइस होती है, जिस तरह से आपका वाटर प्यूरिफायर है उसी तरह की एक डिवाइस होती है, जिसे आपको घर पे रखना होता है और आपके घर की हवा में जो जहरीले गैस होते हैं या फिर पीएम पार्टिकल जो सांस में जाने से आपकी कई डिजीज के कारण बन सकते हैं, उनको प्योरीफाई कर सकता है। एज अ वैक्यूम क्लीनर उसके अंदर खींच लेता है और आपके घर में जो हवा होती है उसे प्योर कर देता है। तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि आप घर के लिए एंट्री लेवल एयर प्यूरिफायर सोच रहे हैं, यानी कि 14x12 फीट का आपका घर है, छोटा सा रूम है, तो उसके लिए आपको एयर प्यूरिफायर मिल जाएगा जिसका बजट आपका रहेगा 10,000 से 14,000 रुपए में। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसके मुताबिक आपको HEPA फिल्टर टाइप के एयर प्यूरिफायर खरीदने चाहिए। प्लस आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, पहले तो है एक्सपेंसिव थोड़ा, वो ऑप्शन है 4 फिल्टर लेयर के एयर प्यूरिफायर, और अगर आप बजट से कंसर्न है या फिर आप थोड़ा लो बजट में एयर प्यूरिफायर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए 3 लेयर के भी एयर प्यूरिफायर मिल जाते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि आपका एयर प्यूरिफायर कैपेबल होना चाहिए पीएम 2.5 जो पार्टिकल होते हैं उसे फिल्टर करने में, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और एयर प्यूरिफायर के और भी ऑप्शंस के बारे में जाने तो दो टाइप के होते हैं, पहला तो है मैनुअल या फिर टच पैड कंट्रोल, और दूसरा स्मार्ट है, जो है आप स्मार्टफोन से या फिर स्मार्ट वॉच से भी उसे ऑपरेट कर सकते हैं। और Xiaomi का एयर प्यूरिफायर 2 जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, और यहाँ पे मैं जो आपको डिवाइसेस या फिर जो भी मास्क के ऑप्शंस बता रहा हूँ सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल भी चेक कर सकते हैं। तो Xiaomi का एयर प्यूरिफायर 2 जो पर्टिकुलर है उसे आप स्मार्टफोन से ऑपरेट कर पाएंगे या फिर आपकी एयर की या फिर हवा की जानकारी पूरी वहां से भी आप ले सकते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 6 से 12 महीने के अंदर अंदर, यानी कि जितना आपका यूज होता है प्लस आप जिस जगह पर रह रहे हैं, ऑफकोर्स आप दिल्ली में रह रहे हैं तो ये समय कम भी हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर जो फिल्टर होता है एयर प्यूरिफायर का, वो उसे आपको समय जाने पर बदलाना पड़ता है, एक्सचेंज कराना पड़ता है। उसकी प्राइसिंग रहेगी 1,000 से 5,000 रुपये तक, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में लेनी चाहिए। उसके बाद Xiaomi, यूरेका, फॉर्बस, फिलिप्स और सैमसंग जैसी कंपनियों ने एयर प्यूरिफायर में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको दिए हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और होम के बाद, एंट्री लेवल के बाद दूसरा ऑप्शन आता है पर्टिकुलर पोर्टेबल टाइप के एयर प्यूरिफायर, और आप चाहते हैं कि आप कहीं एक जगह पे नहीं रुके रहते, जैसे कि आप घर पे रहते हैं या फिर कुछ टाइम ऑफिस पे रहते हैं या फिर कहीं पे आप कार में भी रहते हैं, तो पोर्टेबल टाइप का एयर प्यूरिफायर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। वो आपको थोड़ा बहुत महंगा मिल सकता है, मगर आप मतलब कि 5,000 रुपये में एक पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर खरीद सकते हैं, मगर उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वो पोर्टेबल टाइप के एयर प्यूरिफायर, जैसे कि मैंने आगे बताया कि HEPA टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं, मगर फिर भी वो अच्छी तरह से आपकी एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं। कि आप सोच लीजिए कि 50 मीटर स्क्वायर का आपका रूम या फिर एरिया है तो उसमें आपको एयर प्यूरिफायर चाहिए, तो आप पोर्टेबल टाइप का एयर प्यूरिफायर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप एयर प्यूरिफायर में कोई ऑप्शन देखे या फिर आप धूल वाली सड़कों पे ज्यादा ट्रैवल करते हैं और कार में आप ज्यादा टाइम बिताते हैं और आपको प्योर हवा या फिर प्योर एयर की जरूरत रहती है, तो इन कार टाइप का एयर प्यूरिफायर आप ही के लिए बना है। तो एक्चुअली इसका जो बजट है वो स्टार्ट होता है 2,500 रुपये से, और 2,500 रुपये में आप अच्छा खासा इन कार टाइप का एयर प्यूरिफायर खरीद सकते हैं। और ये एयर प्यूरिफायर कनेक्ट हो जाएगा आपके वहाँ जो इलेक्ट्रिक पोर्ट रहता है उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, और कई एयर प्यूरिफिकेशन कंपनी का दावा है कि वो ओजोन डिफ्लेक्शन एयर प्यूरिफायर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इस टेक्नोलॉजी में एक्चुअली पॉल्यूटेड एयर को वैक्यूम की तरह अंदर खींच लिया जाता है और ओजोन रिलीज करके आपकी एयर को प्योर किया जाता है।
मगर ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि अगर आप अस्थमा से पीड़ित है तो आप बिल्कुल भी इस टाइप के एयर प्यूरीफायर से दूर रहिए, क्योंकि अस्थमा की जिनको बीमारी है वो ओजोन के ज्यादा संपर्क में रहने से उनके फेफड़ों में ज्यादा बीमारी भी हो सकती है। उसके बाद एट लास्ट एयर प्यूरीफायर में छोटा सा ये भी ऑप्शन है कि एयर प्यूरीफायर बल्ब भी काफी सारी कंपनियों ने लॉन्च किए। ऑफकोर्स ये 100% सॉल्यूशन नहीं है, मगर बाथरूम, कुकिंग या फिर किचन जैसे छोटे एरिया में आप एयर को थोड़ा बहुत प्योर करना चाहते हैं तो इस टाइप के बल्ब जो काम करते हैं आयोनाइज्ड टेक्नोलॉजी पर, और उससे एक्चुअली जो धूल के कण होते हैं या फिर ऐसे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसे फर्श पर वो बिठा देता है और आपकी एयर को प्योर करता है। और अगर आप ऐसा बल्ब खरीदना चाहते हैं तो 700 से 3000 तक की प्राइस रेंज में ऐसे बल्ब आपको मिल जाएंगे और लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अब बात करते हैं पॉल्यूटेड एयर से बचने का सबसे अफोर्डेबल सॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन मास्क। एयर पॉल्यूशन मास्क की आपको अभी मार्केट में काफी सारी रेंज मिल जाएगी, काफी सारी वैरायटी मिल जाएगी, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी है। तो हम लो कॉस्ट से चालू करें तो जो आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर्स जो मास्क यूज करते हैं या फिर सिंपल सा 5-10 रुपए का मास्क आपको एयर पॉल्यूशन मास्क की तरह बिल्कुल भी यूज नहीं होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी बाय मत कीजिएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग होती है कि आप एक पर्टिकुलर एयर पॉल्यूशन मास्क खरीदना चाहते हैं या फिर उस टाइप की जगह पे आप रह रहे हैं तो आप N95 एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि उस टाइप का आप मास्क खरीदिए, क्योंकि वो कैपेबल होता है 95% तक PM2.5 जो पार्टिकल्स होते हैं उसे फिल्टर करने में। उसके बाद थोड़ा बहुत आप ज्यादा पैसे खर्चना चाहते हैं या फिर थोड़ा बहुत और भी कंसर्न है आप इस चीज से तो आप N99 या फिर N100 मास्क ले सकते हैं, और ये आपको PM2.5 जो पार्टिकल्स होते हैं उससे 99% तक फिल्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करेगा। और आप N95 या फिर N99 मास्क खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होगी। पर्टिकुलर एक पीस आप लेना चाहते हैं तो 175 या फिर आप 10 पीस लेना चाहते हैं तो 2000 रुपए में आपको मिल जाएंगे। और पर्टिकुलर आप और भी ज्यादा कंसर्न है और आप N100 ही खरीदना चाहते हैं जो आपकी एयर को 99.7% तक प्योर करेगा, तो उसके लिए एक्चुअली कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन आपको वो मास्क नहीं मिल सकते, उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल सप्लायर का ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है P95 और R95, और इसमें जो मतलब कि P और R में सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि P या फिर R लगता है तो वो कैपेबल होता है वो मास्क ऑयल बेस्ड पॉल्यूशन को भी फिल्टर करने में, या फिर ऑयल बेस्ड पॉल्यूशन से आप बचना चाहते हैं तो आप P95 या R95 मास्क लीजिए, और ये पर्टिकुलर स्ट्रिक्टली इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही है, और इसे आपको ज्यादा से ज्यादा यानी कि कम समय में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, और इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही कम रहती है। जैसे कि आप कोई P95 या R95 का मास्क लेते हैं तो आपको 40 आवर्स में या फिर एक मंथ के अंदर जो कम समय सबसे पहले आता है तो उसमें आपको वो रिप्लेस कर देना पड़ेगा, वो कैपेबल नहीं होगा कि वो आपको और भी फिल्ट्रेशन प्रोवाइड कर सके। और इसकी प्राइसिंग रहती है 10,000 रुपए से, यानी कि नॉर्मल आप एयर पोल्यूशन से बचना चाहते हैं तो मैं नहीं चाहूंगा कि इस टाइप के मास्क को आप बिल्कुल भी कंसिडर करें। और पर्टिकुलर R95 की बात करें तो उसकी लाइफ तो बहुत ही कम होती है, जिसकी लाइफ होती है सिर्फ 8 आवर्स की, और ये बहुत ही मतलब कि हाई लेवल के इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही टारगेट किया गया है। और सारी कंपनीज अब तो काफी सारी कंपनीज इस टाइप के मास्क को बनाने लगी है, और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप बिल्कुल भी बाय कर सकते हैं। और एक बार मैं और भी कहूँगा कि इंडिया में जो एयर पोल्यूशन का अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो काफी हद तक बढ़ चुका है, और आप भी इससे अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं तो अपने रिलेटिव और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं कुछ अगर आपको मिलता हूँ ऐसे ही नई और भी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।